एक विशेष अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे मजनू पकड़ अभियान में टीकमगढ़ पुलिस ने करीब एक दर्जन मजनुओं को नसीहत दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में बढ़ती छेड़खानी और रेप की घटनाओं के बाद महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे थे, जिसके बाद अब प्रशासन मजनुओं पर शिकंजा कसने में लगा है। टीकमगढ़ थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मनचलों के विरुद्ध शहर के विभिन्न हिस्सों में मजनू पकड़ अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने करीब एक दर्जन मनचलों को पकड़ा। कोतवाली टीआई नवल आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं और छात्राओं में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए, छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है, और इसी तारतम्य में कोतवाली पुलिस द्वारा एक टीम बनाकर ऑपरेशन मजनू चलाया गया। इसी कार्रवाई के दौरान बस स्टैंड, नज़रबाग, कोचिंग सेंटरों सहित शहर के सार्वजनिक स्थानों से मनचलों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस कार्यवाही में करीब 7 मजनुओं को पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। जैसा कि आपकी जानकारी में है कि 15 तारीख से 31 तारीख तक एक विशेष अभियान पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार चलाया जा रहा है, जिसमें जो हमारी बच्चियाँ हैं, विशेष रूप से जो कोचिंग स्कूल कॉलेज आदि में पढ़ती हैं, जहाँ पर ये छिछोरे मनचले मजनू छाप लड़के अक्सर घूमते देखे पाए जाते हैं, जो हमारी बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसे मजनू पकड़ अभियान के नाम दिया जा रहा है। ये जितने भी मनचले मजनू आपको दिख रहे हैं, इनको अलग अलग जगहों से पकड़ा गया है। इसमें कुछ नए बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, कोचिंग सेंटर्स, स्कूल आदि में तो पकड़ा गया है, और अभी इनको आज कितने लोगों को पकड़ा सर आपने? 11 लोग हैं, ये 11 लोग हैं, ऐसे 11 लोग जो कि इस टाइप की हरकतें कर रहे थे, इनके विरुद्ध निर्धारित कार्रवाई। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि पिछले दिनों जागरूकता और सुरक्षा को लेकर नगर की युवतियों को मार्शल आर्ट से संबंधित शिविर भी लगाया गया था, ताकि मुसीबत पड़ने पर लड़कियां और महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। न्यूज़ बीके के लिए टीकमगढ़ से दीपक के साथ विकास राय की रिपोर्ट।